Very good morning. Again, I am here in front of you with a new positive thought, with full of energy. कैसे हैं मेरे बच्चों? Hopefully सब अच्छे होंगे, सब कुछ ठीक होगा. As you know कि आपके टेस्ट चल रहे हैं और ऑलरेडी हमने अपना टेस्ट कर लिया है, इनफैक्ट टेस्ट से बहुत ज़्यादा कर लिया है, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है? एक रिवीजन. This is a revision video. I'm sending you with a positive thought on hard work. Hard work for it. You get what you work for, not what you wish for. Means, आपको वो मिलता है जिस पे आप काम करते हैं, वो नहीं कि जिसको विश करा कि पूरा हो जाए. विश भी तभी पूरी होती है जब आप हार्ड वर्क करते हैं. अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो विश भी पूरी नहीं होगी. सो डू हार्ड वर्क एंड फुलफिल योर विश. विद दिस थॉट लेट्स स्टार्ट द रिवीजन. रिवीजन स्टार्ट करते हैं ऑफ चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डूइंग द रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 1. That is large number. Chapter number 1 का start करते हैं. Chapter 1, large numbers. हमने live class में already revision कर लिया है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो live class attend ही नहीं कर रहे हैं, उनके लिए revision है. कहाँ से स्टार्ट करेंगे? स्टार्ट विद द लार्ज नंबर. एज वी ऑल नो दैट फॉर रीडिंग द नंबर, रीड करने के लिए हमें नंबर को किसकी ज़रूरत होती है? हमें ज़रूरत होती है उनकी प्लेस वैल्यू की, उनके नाम की. तो प्लेस वैल्यू को कैसे हम पता लगाते हैं? सी मार्जिन 279562. I am writing this number or and with writing I am reading this number with their face value 279562, because I don't know that what is the place value of this given number. Place value क्या है? Place value क्या है? जहाँ पर number place होता है. Normally जो place value है वो two उसमें divided है. Two types की है, that is Indian number system. System and second one is the international number system. In Indian number system में क्या है? Indian number system में जो value place value होती है वो start होती है ones, tens, hundred, thousand, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड सो. ठीक है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे स्टार्ट होती है? वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000. सी टिल 10,000 दोनों नंबर सिस्टम बराबर है. टिल 10,000 दोनों नंबर सिस्टम बराबर है, लेकिन आफ्टर 10,000 की बात क्या है? यहाँ पर लाख है इंडियन नंबर सिस्टम में, यहाँ पे हो जाएगा 100,000. यहाँ 10 लाख है, यहाँ हो जाएगा मिलियन. यहाँ करोड़ है, यहाँ हो जाएगा 10 मिलियन. उसके बाद चेंज हो जाता है. पहला तो फर्स्ट तो ये है. सेकेंड थिंग, हम कॉमा भी एज पर द प्लेस वैल्यू पुट करते हैं. कैसे? आफ्टर कंप्लीटिंग वन पीरियड, आफ्टर कंप्लीटिंग द पीरियड वी पुट द कॉमा. सो इन इंडियन नंबर सिस्टम द वंस पीरियड, दिस इज 1,000, दिस इज लाख एंड करोड़. तो पहले फर्स्ट 3, देन 2, आफ्टर 2 डिजिट, आफ्टर एवरी 2 डिजिट वी पुट द कॉमा. एंड इन इंडियन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम आफ्टर एवरी 3 डिजिट वी प्लेस द कॉमा. इस तरह से हम इसको लिखते हैं. अनटिल एंड अनलेस इट इज नॉट आस्क इन द क्वेश्चन दैट यू हैव टू डू द गिवन नंबर सिस्टम, गिवन लार्ज नंबर इन इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम. जब तक कि क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है तब तक हम नॉर्मली इंडियन नंबर सिस्टम को ही फॉलो अप करते हैं. तो यहाँ पर अगर मैं इसको देखूँ तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 एंड दिस वन इज लैक. तो ईजी हो जाएगा रीड करने में. 279,562. जैसे ही हमें कॉमा मिल गया या फिर वैल्यू, हमें प्लेस वैल्यू चार्ट मिल गया, तो प्लेस वैल्यू चार्ट हम इजीली उसको रीड कर सकते हैं. और रीड करने के बाद अगर राइट इन वर्ड्स है, वर्ड्स में लिखना है, तो उसको हम लिख भी सकते हैं. कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं सेम क्वेश्चन ले रही हूँ.
इट्स 2,79,562 जहां पर नंबर प्लेस है तो उसकी प्लेस वैल्यू है, जस्ट वर्ड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो किस तरह से सी सी इन वर्ड्स लेग इज टू राइट डाउन टू लेग 1000 इज 79 तो 79,500 and 62 इन दिस वे हम इस तरह से इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। लैग इज टू तो 2 लैग, 1,079,79,000, 100 is 5, 500 एंड 62। इन दिस वे वी कैन इजिली राइट इन वर्ड्स। आपको क्या स्टेप्स फॉलो करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट द नंबर ऑफ डिजिट, देन प्लेस द मेक द प्लेस वैल्यू चार्ट एज पर आंसर द क्वेश्चन, इधर द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, देन put the given large number under the place value chart and then write the number or convert into words, easily kar sakte hain। See, itna samajh mein aaya? Then after this, jab humne ye kar liya, so then expand it form. As the name suggests, jaise ki naam hi batata hai, expand karna, kisi ko badhana, so means यहाँ पर अगेन एक प्लेस वैल्यू, जब गिवन लार्ज नंबर है, कोई भी लार्ज नंबर दिया हुआ है, उसको प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस करना है, उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आप उसको प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस कर दीजिए, उसके बाद एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो लैक इज टू वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक टू लैक सेवेंटी थाउजेंड प्लस नाइन थाउजेंड प्लस फाइव हंड्रेड प्लस सिक्सटी plus 2. In this way you can easily convert the given large number in the expanded form. आपको लेकिन place value chart पे place करना आना चाहिए, समझ आया? After this expanded form की बात क्या है, round off। तो round off में हम क्या करेंगे, rounded off 10, 100 and 1000 में है हमारा syllabus में, easy, बहुत easy है, मैंने आपको बताया था। See 9,562 आपको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 10 100 एंड 1000, ठीक है। सेम इसका करते हैं, तो 10 का मतलब 1, 10, 100, 1000 हमें इसे राउंड ऑफ करना है। तो जिसको राउंड ऑफ करते हैं उसके उसके नेक्स्ट वाले नंबर को हम कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट वाला नंबर क्या है, 2, दैट 62। 62 के दो जीरोस के बाद है 60 एंड 70, 62 इज नियरेस्ट टू 60। अगर यहाँ पर ये 65 होता तो हम 70 के, मतलब जहां पर ये जो नेक्स्ट नंबर है जिसको राउंड ऑफ करना है उसका नेक्स्ट नंबर है उसको हम कंसीडर करते हैं हमेशा। मीन्स अगर यहाँ 4 तक होता तो पहले वाले जीरो पे कन्वर्ट होता है, और आफ्टर 5 ऑनवर्ड्स ये कहाँ, नेक्स्ट वाले जीरो पे। तो 62 इज नियरेस्ट टू 60, तो 9,560, समझ आया। नेक्स्ट वन इज नियरेस्ट 100, मीन्स हमें इसको राउंड ऑफ करना है इसको, तो उसके नेक्स्ट नंबर को कंसीडर करेंगे, मीन्स 56 जीरोस में आता है 50 एंड 60 56, बिकॉज 5 की बात है, तो इट्स कन्वर्ट टू 60। क्या लिखेंगे, 9,600। जितने उनके जिनको हमें राउंड ऑफ करना है उसके बाद के जितने भी डिजिट्स हैं उनको हम जीरो में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। नाउ 1000 मीन्स हमें इसको कन्वर्ट करना है इसको। 95 कहाँ पे आता है, 90 एंड 100, तो 90 एंड 95 हो गया नेक्स्ट वाला 100 100, मीन्स बिकॉज ये 1000 पे प्लेस है, तो ये 1000 है, 9,000 प्लस 1000 10,000। थोड़ा सा लास्ट वाला कॉम्प्लिकेटेड है, उसको ध्यान से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 95 ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट उसमें जीरो में कन्वर्ट करते हैं, तो जनरली जैसे राउंड ऑफ करते हैं 100 का, तो नेक्स्ट 100 आ जाएगा, तो उसमें 100 हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। इन दिस वे वी विल डू द राउंड ऑफ। नेक्स्ट वन इज रोमन नंबर,
रोमन न्यूमरल बेसिक लर्न करना है, वन फाइव सेवन टेन फिफ्टी हंड्रेड फाइव हंड्रेड एंड थाउजेंड. वन इज आई, फाइव इज बीस, सेवन ये आएगा, टेन इज एच, फिफ्टी इज एल, सी डी एन एम. तो दीज आर द सेवन बेसिक सिंबल्स ऑफ रोमन नंबर जो आपको लर्न ही करने हैं. सी, ये आपको लर्न ही करने हैं सेवन बेसिक सिंबल्स, ठीक है. उसके बाद फ्रेम करते हैं आपको रूल. मैंने मेरी प्रीवियस वीडियोस में भेजे हुए हैं, आप प्लीज रिकॉल कर लीजिएगा और रोमन नंबर को अच्छे से कर लीजिएगा. और रोमन नंबर के क्वेश्चन 100% आएंगे तो प्लीज अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है. एंड आफ्टर दिस प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर, प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर. प्रेडिसेसर मींस माइनस वन, एंड सक्सेसर मीन्स प्लस वन. मीन्स जो भी गिवन नंबर है उनमें से अगर हम वन को माइनस कर देते हैं और द नंबर विच इज जस्ट बिफोर द नंबर इज नोन एज द प्रीडिसेसर ऑफ दैट नंबर, एंड द नंबर विच इज जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर इज नोन एज द सक्सेसर ऑफ द गिवन नंबर. तो इफ आई वांट टू आस्क द प्रीडिसेसर ऑफ 79, तो इट्स 78, एंड सक्सेसर 80. तो 79 में से 1 को जब हमने माइनस करा तो 78 आ गया, विच इज द प्रीडिसेसर ऑफ 79. और 79 में 1 को प्लस कर दिया तो 80 आंसर आ गया, विच इज द सक्सेसर ऑफ 79. तो हमने जब हम जब छोटे थे प्राइमरी मींस उसमें फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में हमने लर्न किया था द नंबर बिफोर एंड आफ्टर. द नंबर विच कम जस्ट बिफोर द नंबर इज नोन एज द प्रेडिसेसर ऑफ दैट नंबर, एंड द नंबर विच कम जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर इज नोन एज द सक्सेसर ऑफ द गिवन नंबर. So this is a revision, a short revision of the given chapter, chapter number 1, large number. Please recall. Along with this video, I'll send the assignment of practice to complete your, do the practice of that assignment also. And in my next video, I'll send the revision of addition and subtraction. Till then, bye-bye. Take care. Bless you all. Bye, bitch.